जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 11 सितंबर से लेके 17 सितंबर 2023 का यह सप्ताह कैसा रहेगा, और बात करेंगे शुभ दिन और शुभ तिथि की। वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर से सटीक से महत्वपूर्ण उपाय के, जिस उपाय को करके आप जो है इस सप्ताह को सुफलदायी, आनंददायी और लाभदायी बना पाए। तो आप वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2023 का यह सप्ताह। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत की जो अवधि होगी, सप्ताह का जो शुरुआती भाग होगा, तो तुला राशि के जातकों के लिए जो यह अवधि होगी, तो इस अवधि में शत्रु, मुकदमेबाजी और ऋण से संबंधित मुद्दों से जो आपके कोई मुद्दे चल रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। वह जो आपके मुद्दे चल रहे हैं, इन संबंधित ऐसी कोई समस्याएं आपकी चल रही हैं, तो उनके लिए, उनसे निपटने के लिए यह बहुत लाभकारी समय आपके लिए रहेगा। क्योंकि इस समय जो आपका राशि स्वामी जो शुक्र महाराज हैं, वे कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे, कर्क राशि में जो है गोचर कर रहे हैं, और आपको जो है एक शांत दृष्टिकोण के साथ जो है इन मुद्दों को संभालने की सलाह दी जाती है। जो यह मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जो है संभालने की आपको सलाह दी जाती है कि इस समय जो है आप इन मुद्दों को संभालने का आपको प्रयास करना है। आप जो है किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा पर भी जाना चाहेंगे, किसी दूर की कोई दूर की यात्रा भी आप जो है इस समय कर सकते हैं, उस पर भी आप जाने की इच्छा रख सकते हैं, यानी कि आप दूर की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। और तुला राशि के जातक, जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपके अधीनस्थ आपके जो आदेशों का पालन करेंगे, जो आपके अधीन कार्य करने वाले हैं या जो आपके अधीन हैं, वह आपके आदेशों का पालन करेंगे। आप जो भी आदेश देंगे, आपके आदेशों का वह जो है सही ढंग से पालन करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो है आपको वांछित प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जो भी आप जो है कार्य करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। अत्यधिक लाभ के लिए जो है, अधिक लाभ के लाभ प्राप्त होने से आपकी सारी इच्छाएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। आपकी जो अधिक इस सप्ताह जो है आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए दिख रही हैं तुला राशि के जातकों के लिए। और तुला राशि के जातकों के लिए 11 से लेकर 17 सितंबर 2023 का जो मध्य भाग होगा, तो इस मध्य भाग में जो है दाम्पत्य जीवन में सौहृद बनाए रखने के लिए अच्छा जो है समय आपके लिए रहेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन को जो है शानदार बनाने के लिए यह समय जो है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ जो है साझेदार भी पहले से अधिक खुश रहेंगे। जो आपका जीवन साथी है वह भी आपसे खुश प्रसन्न रहेगा और वैवाहिक जीवन में अधिक आनंद व रोमांच जो है इस समय आपके रहने वाला है। वहीं जो व्यापार करने वाले तुला राशि के जातक हैं, तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए नए व्यापार या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है यह समय जो है बहुत ही शुभ आपके लिए होने वाला है। बहुत ही अच्छा यह समय जो है कोई नया व्यापार करने के लिए, कोई नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत ही शुभ समय जो है यह इस सप्ताह का मध्य भाग होगा। सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा होगा, सप्ताह के जो अंतिम दिन होंगे, तो सप्ताह का अधिक भाग जो है, अंतिम भाग जो है वह सेहत के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है वह तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की इस समय जरूरत होगी। यह जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं है। परिस्थितियां जो है विपरीत आपके इस समय बनी रहेंगे। अतः जो है तुला राशि के जातकों को इस समय बिल्कुल सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, आपको सतर्क रहना है।
और नए उद्यम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। तो सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा तो उसमें कोई नए उद्यम, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए भी जो है अच्छा समय वह नहीं माना गया है। तो सप्ताह के अंतिम हिस्से में जो है कोई नया कारोबार, कोई भी नया व्यापार आपको नहीं करना है। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए शुभ दिन कौन सा रहेगा इस सप्ताह। तो शुभ दिन आपके लिए होंगे सोमवार और गुरुवार का दिन। शुभ तिथि आपके लिए होंगे 11 सितंबर और 14 सितंबर। उपाय बताएं तो उपाय को इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करें तुला राशि के जातक। तो उपाय के तौर पे जो है तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह को आनंददायी बनाने के लिए रोज आपको जो है प्रतिदिन मंदिर जाना है। और आपको इस सप्ताह को आनंददायी बनाने के लिए क्या करना है कि 1-4 किलो का जो आटा है उस 4 किलो आटा अलग रख देना है और प्रतिदिन जो है उसमें से कुछ आटा ले जा करके प्रतिदिन आपको मंदिर में दान करना है। तो वह 4 किलो आटा जो है आपको 7 दिन में जो है मंदिर में दान करना है। तो अगर आप यह उपाय प्रतिदिन करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी, लाभदायी या आनंददायी बना पाएंगे। तो यह उपाय आपको जरूर करना है ताकि इस सप्ताह को सुफलदायी बनाएं। तो आज का जो कार्यक्रम है यहीं पे करेंगे समाप्त। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक मां भगवती आपकी